लेकिन ग्रामीण इलाकों में लोग खुद एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। ये कहानी है छत्तीसगढ़ में धमतरी जिले के यहाँ रहने वाले अरुण साहू अपने साथियों के साथ मिलकर। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? ठीक है आप लोग? न्यूज़ देख रहा था, बहुत प्रॉब्लम चल रही है हर जगह पे आजकल कोरोना वायरस के कारण, घर पे ही रहिए। तो आज से मैंने सोचा कि आप लोगों को थोड़ा अलग तरीके से क्लासेस लूँ, थोड़ा स्टोरी लाइन में और थोड़ा और इजी वे में मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। तो आज का टॉपिक है हमारा एक्चुअली इक्वलाइजर। Hey guys, do not forget to subscribe and hit the bell icon for ongoing updates on this channel. पहले कॉफी बना लूं मैं, ठीक है? उसके बाद आपको एक्सप्लेन करूंगा इक्वलाइजर के बारे में अच्छे तरीके से। गर्मा गर्म कॉफी पियेंगे आप? मजा आ गया। चलिए, तो चलिए इक्वलाइजर क्या है? इक्वलाइजर का मतलब है क्या? बहुत लोग अभी तक नहीं मालूम इक्वलाइजर किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है और उसका काम क्या है। और सबसे बेसिक मिक्सिंग में सबसे पहला चीज़ हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो है इक्वलाइजर, ठीक है? तो उसके बारे में आज हम सीखेंगे थोड़ा बहुत। मैं ये नहीं बोल रहा कि पूरा एक्सट्रीमली मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन डेफिनेटली इतना तो मैं आपको समझा सकता हूँ कि इक्वलाइजर का काम क्या होता है और हम किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं इक्वलाइजर को और कितने प्रकार के इक्वलाइजर होते हैं, ठीक है दोस्तों? तो आज हम वो सीखेंगे, चलिए। तो हाँ दोस्तों, अभी हम लोग आए अपना जो मेन स्क्रीन है जहाँ पे मैंने ऑलरेडी दो सैम्पल मैं लेके रखा हुआ, एक है किक और दूसरा है जीआरवी किक 808 किक, एक जीआरवी किक और एक वोकल सैम्पल। अभी हम लोग इक्वलाइजर इन तीनों में यूज़ करेंगे और देखेंगे क्या क्या हम लोग इसमें कर सकते हैं। लेकिन उसमें जाने से पहले मैं आपको एक्चुअली एक्सप्लेन करना चाहता हूँ इक्वलाइजर है क्या चीज़ और कितने तरीके के इक्वलाइजर होते हैं। पहले हम उसको इस्तेमाल करके देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग समझेंगे कि इक्वलाइजर का एक्चुअल काम क्या है। तो पहले जो चीज़ मैंने बताया था, व्हाट इज़ एन इक्वलाइजर? अब इक्वलाइजर बेसिकली बहुत ही सिंपल टर्म में बोला जाए तो यह है जहाँ पे हमारा जो साउंड और फ्रीक्वेंसी रेंज कम होता है उसको हम लोग इक्वलाइजर से ज़्यादा कर सकते हैं, और जहाँ जहाँ पे फ्रीक्वेंसी हमारा ज़्यादा है उसको हम कम भी कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जहाँ जहाँ पे हमारा फ्रीक्वेंसी रेंज बोला मैंने, वॉल्यूम नहीं, फ्रीक्वेंसी का रेंज कम हो रहा है वो ज़्यादा कर सकते हैं, और जहाँ जहाँ पे ज़्यादा हो रहा है उसको हम कम भी कर सकते हैं, ठीक है? अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने तरीके के इक्वलाइजर होते हैं? अभी मैं आपको बेसिकली बताना तो बहुत कुछ बता सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। एक ये हो गया ग्राफिक इक्वलाइजर्स, पहला जो है ग्राफिक इक्वलाइजर्स और दूसरा जो है पैरामेट्रिक इक्वलाइजर्स। पहले ग्राफिक इक्वलाइजर्स देख लेते कैसे है तो आप लोगों को पता चले। ये देखिए, आपने देखा होगा ये बहुत सारे होम थिएटर सिस्टम में भी रहता है और बहुत सारे पार्टीज़ में या बड़े बड़े बैंड वाले जो है उनके पास ही रहता है, क्लब के अंदर ये रहता है। ये देखा होगा आपने, ये देखिए ऐसा वाला टाइप जिसमें बहुत सारे नॉब्स रहते हैं, ये फेडर्स जैसा हो गया वैसे टाइप, इसको ग्राफिक इक्वलाइजर बोलते हैं। और दूसरा जो है पैरामेट्रिक इक्वलाइजर, ये देखिए अभी पैरामेट्रिक इक्वलाइजर। अब पैरामीट्रिक इक्वलाइजर कैसा है, ये देखिए नॉब्स देखा आपने इसमें, ये देखिए। अभी इन दोनों में से अच्छा इक्वलाइजर कौन सा है? अभी देखा जाए तो बहुत सारा हमको जो है काम करने के लिए आसानी जो है पैरामेट्रिक में, क्योंकि अभी हम लोग इक्वलाइजर जो है आजकल सॉफ्टवेयर में हो गया, तो पैरामेट्रिक इक्वलाइजर में हम लोग को फ्लेक्सीबिलिटी ज़्यादा मिलता है, बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सीबिलिटी मिलता है। तो मैं जब भी यूज़ करता हूँ अभी इसमें FL स्टूडियो में पैरामेट्रिक एक टूल यूज़ करता हूँ। इसमें दो तरीके के EQ है पैरामेट्रिक, एक है पैरामेट्रिक EQ2 और एक है पैरामेट्रिक EQ। दोनों सेम चीज़ है, लेकिन इसमें क्या है हमको कान से पता करना पड़ेगा जो मिक्सिंग कर रहे हैं हम लोग,
ईक्यू के लिए, लेकिन इसमें क्या है, हम लोग को विजुअल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। इसमें विजुअली हम लोग देख सकते हैं हमारा फ्रीक्वेंसी कहाँ पे है, जो भी इंस्ट्रूमेंट खेल रहे हो या जो भी वोकल सैंपल हम लोग खेल रहे हो, कोई भी सैंपल। तो मैं ज़्यादातर ये यूज़ करता हूँ, ये मैं यूज़ नहीं करता, ये बहुत पुराना वाला है तो मैं ये ज़्यादा यूज़ नहीं करता, इसको निकाल देता हूँ मैं, डिलीट। तो अभी इसमें पहले हम लोग EQ का काम करने से पहले पहले सीख ले इसमें है क्या ये सब चीज़ें। तो सबसे पहले दोस्तों ये जो दिख रहा है आपको एक से लेकर सात तक, इसको हम लोग बोलते हैं बैंड, BAND बैंड। ये डिफरेंट बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज है। अब आप देख सकते हो इधर नीचे देखिए 20 से लेके 10 तक, 10K मतलब 10,000। बहुत सारे इक्वलाइजर जो है आप लोग को, वेव्स प्लगइन है, बहुत सारे बड़े बड़े जो इक्वलाइजर्स है, अलग अलग कंपनी के इक्वलाइजर्स मिलेंगे आपको, महंगे वाले भी मिलेंगे, सस्ते वाले भी मिलेंगे। तो 20,000 तक हमको इक्वलाइजर का फ्रीक्वेंसी मिलता है ज़्यादातर। तो ये 20 से लेके 10,000 तक है हमारे पास जो है। अब ये 20 से लेके 10,000 तक क्यों, ये 20 हर्ट्ज है दोस्तों, HZ हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है वो 20 हर्ट्ज। आप इधर देखिए, ये देखिए HZ आप दिख रहा है आपको 63 हर्ट्ज। तो ये जो एरिया है ये 63 हर्ट्ज पे पड़ा हुआ है। ये जो है सेकंड वाला बैंड जो है 136 हर्ट्ज पे पड़ा हुआ है, थर्ड वाला बैंड 294 हर्ट्ज पे पड़ा हुआ है। सेम ऐसे ही ये 20 हर्ट्ज से लेके 10,000 हर्ट्ज तक है। नॉर्मली ये क्यों है, इक्वलाइजर 20 से 20 तक क्यों होता है, क्योंकि हमारा जो इंसान का जो हियरिंग फ्रीक्वेंसी है वो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक है। इसलिए हम लोग EQ जो है उसी रेंज में हम लोग काम करते हैं। बाकी जो है एनिमल्स हो गए, जैसे कुत्ते हो गए, बिल्ली हो गए, वो लोग बैट हो गया, मतलब चिमगादड़ हो गया, अभी तो कोरोना उसी से हुआ है, उनका सब फ्रीक्वेंसीज बहुत ही सब फ्रीक्वेंसी हो गया, सब सोनिक हो गया, तो ये सब होता है। हमारा जो हर्ट्स है तो हम लोग इसी के अंदर ही काम करेंगे, समझ गए आप। तो ये 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 तक, दूसरा आप इक्वलाइजर लेंगे आपको 20,000 तक मिलेगा, ये 10,000 तक, लेकिन ये काफ़ी होता है हमारे लिए। और ये हो गया हमारे बैंड, 7 डिफरेंट बैंड है। अभी ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं स्लोप टाइप और स्लोप। ये जो है स्लोप हो गया, ठीक है, और ये हो गया टाइप, ऊपर जो है आप देख सकते हो ये। अभी स्लोप और टाइप हम लोग क्यों यूज़ करेंगे, हम लोग इधर करके आप बताएंगे, ठीक है। बेसिकली टाइप ज़्यादातर यूज़ करते हैं, स्लोप अब हम लोग ज़्यादा यूज़ कभी कभी ज़्यादा यूज़ नहीं करते। मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है स्लोप, ठीक है। अभी ये जो है मैं अभी ये खेल देता हूँ 808 केक मैं बना लेता हूँ एक, ठीक है। ये रहा मैंने ऑलरेडी एक बनाया हुआ इधर, और ये रहा मेरा 808 केक पैटर्न वन पे, और मैं इधर डाल देता हूँ, सॉरी पैटर्न वन पे ये रहा, और ये डाल दिया, ठीक है। और मैं इसको निकाल देता हूँ और ये म्यूट कर देता हूँ, और मैं एक खेल के दिखाता हूँ आपको EQ के साथ। तो देखना आप, ये देखिए अभी हम लोग जब खेल रहे हैं इसको, इधर क्या हो रहा है, ये देखिए अभी इधर क्या हो रहा है, ये जो बैंड दिख रहा है आपको, ये जो लाइंस दिख रहा है, ठीक है, ये लाइंस डिटेक्टेड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं हम लोग, जो फ्रीक्वेंसी ये इक्वलाइजर ने डिटेक्ट किया है। मतलब ये जो हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है, जो ये किक है, ठीक है, इस किक का जो फ्रीक्वेंसी है अभी इधर से शुरू हो रहा है, डिटेक्टेड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं हम लोग FL स्टूडियो में। बेसिकली हम लोग ये हमारा ये हम लोग देख सकते हैं, दूसरे में क्या हम लोग देख नहीं सकते, तो हम लोग को वो कान से निकालना पड़ता है। अभी कान से कैसे निकालेंगे मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। अभी इधर तो हमको दिख रहा है कि ये डिटेक्टेड फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, इधर से लेके आगे तक, और इधर देखिए इधर कुछ भी नहीं आ रहा फ्रीक्वेंसी, इधर से लेके इधर तक इसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा चल रहा है, और इधर भी कुछ नहीं है ज़्यादा। तो इसको हम लोग बोलते हैं मड, मतलब हमको ज़रूरत नहीं उसका। तो हम लोग क्या करते हैं इसको हम लोग हाई पास करेंगे, मतलब लो कट। तो इसके लिए ये देखिए इधर, ये जो हमने बताया था आपको जो टाइप है, ये टाइप जो है अभी हम लोग पड़ा हुआ है लो शेल्फ में, आप इधर देख सकते हो, इधर दिखेगा आपको हिंट पैनल में दिखता है, इधर देखिए अभी लो शेल्फ में पड़ा हुआ है। मैं इसको अभी मेरे को चाहिए हाई पास, तो मैं देखिए पीकिंग है ये हाई शेल्फ, ये नीचे मुझे मेरे को चाहिए हाई पास, तो मैं अभी हाई पास में लेके आया। देखा जब हाई पास मिला तो क्या हो गया, इधर ये कट गया इधर से। अभी ये नॉच, ये जो मैंने बताया आपको अभी ये जो स्लोप जो है
देखिए ये स्लोप आप इसको टाइट कर सकते हो या लूज कर सकते हो, तो मेरे को ये स्लोप एक्चुअली थोड़ा टाइट चाहिए, तो मैं इतना टाइट कर दिया ऐसे, ठीक है। और उसके बाद बैंड विड्थ, ये जो है बी डब्ल्यू बैंड विड्थ हो गया आपका, इसको हम ऐसे टाइट कर दिया। अभी मैं ये फ्रीक्वेंसी को जीरो पे लेके आता हूँ इधर, ठीक है, और अभी खेलता हूँ। अभी मेरे को इधर से इधर तक नहीं चाहिए फ्रीक्वेंसी, तो क्या करूँगा मैं, ये देखिए ये वाला नॉच है इसका, तो इसको फ्रीक्वेंसी को मैं इधर से जहाँ तक उसका है वहाँ तक लेके आया और ये काट दिया, तो अभी इधर का आवाज़ जो है मेरे को मेरा मिक्स में नहीं आएगा। तो उसको बोलते हैं मड को क्लियर करना, हम लोग वो मड मिक्स को क्लियर कर रहे हैं किससे, इक्वलाइजर से, समझ गया। हम लोग एक पैरामीटर की यूज़ कर रहे हैं और उसको क्लियर कर रहे हैं। अभी इधर देखिए सातवां बैंड के आगे कुछ भी नहीं है, ये खाली है। अभी इसको भी ऐसे रखने का ज़रूरत नहीं, हम लोग इसको क्लियर कर सकते हैं। अभी एक दूसरा एक और तरीका ये करने का ज़रूरत नहीं हमको, इधर राइट क्लिक कर सकते हैं आप, देखिए टाइप सब कुछ इधर से देख सकते हैं हम लोग, ठीक है। अभी हमको इधर क्या चाहिए, इधर हाई पास नहीं, इधर हमको लो पास चाहिए, क्योंकि इधर हाई कट कर रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं लो पास, इधर कर दिया। अभी अगर आपको इसका इधर सेम थिंग, ये जो आपको चाहिए टाइट कर लीजिए, देखिए ठीक है, और आप कैसे आपको चाहिए उसका फ्रीक्वेंसी रेंज ऐसे रख लीजिए। देखो मैं इधर कुछ भी कर रहा हूँ कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। अभी देखिए अभी आपको फ्रीक्वेंसीज आप खेल सकते हो, आपको किक सॉफ्ट चाहिए, सॉफ्ट कर रहे हैं तो क्या हाईस कम करेंगे हम, अगर आपको ऐसा चाहिए देखिए रख लीजिए, ठीक है। अभी मैंने क्या किया, ये इक्वलाइजर से हाई पास और लो पास किया हुआ है, मतलब लो कट और हाई कट दोनों एक ही चीज़ ही है। अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग देशों में हाई पास को हम लोग लो कट बोलते हैं और लो पास को हाई कट बोलते हैं, तो बेसिकली वो चीज़ है। अभी ये देखिए इधर हमने इसको इक्वलाइजर डाला हुआ हमने, अभी हम लोग इसको अगर ऑफ करेंगे उसको हम लोग बोलते हैं बाईपास, मतलब जो ओरिजिनल साउंड था और ईक्यू करने के बाद क्या फ़र्क पड़ा है वो चेक करने के लिए। तो अभी हम लोग पहले ईक्यू के साथ चेक कर लेते हैं, ठीक है, ये लीजिए ईक्यू किधर गया हमारा, एक मिनट, चाहे इधर ये रहा पीछे, तो अभी खेलते हैं हम लोग और इसको बाईपास करेंगे। अभी ये देखिए तो जो बॉक्सिनस था पहले का वो निकल गया हम लोग इतना ईक्यू करने के बाद, आपने सुना, मैं एक और बार खेलता हूं बिना ईक्यू का, सुना आपने। अगर आपको थोड़ा और ये चाहिए बॉक्सिनस चाहिए आप लेके आ सकते हो, आपके ऊपर है, तो आप खेल सकते हो ऐसे। ये देखिए तो ये इक्वलाइजर से हमको बहुत फ़ायदा होता है, और कभी कभी आपको लग रहा है कि चलो इसका मेरे को मिड टोन थोड़ा ज़्यादा करना है तो मिड फ्रीक्वेंसी, तो आप ये देख लीजिए 20 हर्ट्ज से लेके ज़्यादातर हम लोग मानते हैं एक एवरेज 20 से हम लोग 300 या 400 रेंज तक हम लोग बोलते हैं कि ये लो एंड है, लो शेल्फ, समझ गया आप, इसको बोलते हैं बेस का जो शेल्फ है इसको बोलते हैं। फिर हम लोग 300 से या 400 से लेके 2000 तक हम लोग बोलते हैं इसको मिड रेंज, फिर उसके बाद 2000 से लेके 10000 या 20000 तक हम लोग बोलते हैं हाई शेल्फ, मतलब हाई एंड, ट्रेबल, ट्रेबल एरिया, TREBLE बोलते हैं उसको, हाई मिड और लो, ठीक है, लो फ्रीक्वेंसी, मिड फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी। अभी मुझे लगता है कि इसका मिड फ्रीक्वेंसी थोड़ा बढ़ाना है तो बढ़ा लेता है। अभी देखिए इधर मेरे को कुछ आ नहीं रहा लेकिन मेरे को लग रहा है इसका थोड़ा इधर से हम लोग बढ़ा सकते हैं, तो ये देखिए रेंज कौन सा है 294, तो ये वाला जो है थोड़ा बढ़ा देंगे हम, ज़्यादा भी नहीं बढ़ाना दोस्तों क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है ज़्यादा खेलना भी नहीं चाहिए हम लोग, बहुत लोग को मैंने देखा है बहुत ही ज़्यादा बूज कर देते हैं वो लोग बस। तो आपका जो मिक्स है उसके हिसाब से आप खेल सकते हो, लेकिन ध्यान देना हमेशा हाई पास और लो पास करना मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी हम लोग खेलते हैं इधर आवाज़ के ऊपर, अभी ये किक देख लीजिए अभी अलग फ्रीक्वेंसी मिलेगा आपको, अभी हमने एक किक पे खेला था तो अभी ये दूसरा पैटर्न पे हम लोग डाल देते हैं और ये किक का साउंड सुन लेना आप, तो उसका फ्रीक्वेंसी आपको बिल्कुल ही अलग मिलेगा। मैं इधर डाल देता हूँ एक इक्वलाइजर, आपको जल्दी से दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। हमने एक इक्वलाइजर डाल दिया और इधर एक पैटर्न पे मैंने बताया GRV का, ठीक है, ये देखिए
और मैंने डाल दिया इधर अभी, और आप देख सकते हो, एक मिनट बाहर में डाल दूँ मैं, और मैं अभी इसको खेल के दिखाता हूँ। अब ये देखिए EQ में इसका हम लोग देखते हैं इसका जो लो एंड है कहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है। ये देखते हैं, ये देखिए पहले वाला का इधर से शुरू हुआ था, ये अभी इधर से शुरू हो रहा है। ये सेम चीज़ हम लोग कर सकते हैं इसमें भी, ठीक है। इसको मैं हाई पास कर दिया, फिर उसके बाद नॉच इसका जो है थोड़ा ये कर दिया, फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी जो मैं खेल सकता हूँ, मतलब सफाई कर रहा हूँ मैं अपना मिक्स का, समझे आप। जितना बेस चाहिए मैं मिक्स के हिसाब से रख सकता हूँ। सेम चीज़ हम लोग वोकल में भी करते, ठीक है। अभी वोकल ले लेते हम लोग, ठीक है। इधर ये आ रहा वोकल, अभी वोकल में से खुदा इसमें एक ही क्यों डाल देता हूँ मैं, और देखिए क्या क्या कर सकते हैं। अभी ये जो है आदिल का सैंपल है मेरे पास, या खुदा का जो गाना गाया था आदिल ने, और इन्होंने पता नहीं कहाँ से शायद घर से रिकॉर्ड किया या स्टूडियो से रिकॉर्ड किया, हमें मालूम नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग इसको थोड़ा बहुत साफ़ कर सकते हैं। अभी इसको इक्वलाइजर ही यूज़ करेंगे हम लोग, ठीक है। अभी इधर प्रीसेट्स भी है दोस्तों, प्रीसेट्स में जाके आप 40 हर्ट्ज़ कट कर सकते हो, और देखना भी आदिल का आवाज़ जहाँ से शुरू होगा, मतलब डिटेक्टेड फ्रीक्वेंसी आदिल का जो होगा इधर से या कहीं से होना चाहिए, क्योंकि उनका जो है मिड फ्रीक्वेंसी में पड़ता है, वोकल जो है हमेशा मिड फ्रीक्वेंसी से शुरू होता है। तो देखना मेरा अगर हिसाब से हो तो 200 या इधर से 500 से शुरू होना चाहिए। देखे खुदा, देखा मिड फ्रीक्वेंसी दो, हम पहले जो खेल रहे थे किक था वो लो फ्रीक्वेंसी में आता किक, ये मिड फ्रीक्वेंसी में आ रहा, तो इतना जरूरत नहीं है हमको ये जगह, तो हम लोग क्या करेंगे इसको कट कर देंगे। खुदा मेरे मौला क्या हुआ है हमें, तो इतना सही है, मैंने इतना इसको जो है हाई पास कर दिया, ठीक है। अभी मुझे लगता है कि आदिल का जो है थोड़ा हाई एंड जो है बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी इसमें पड़ रहा है, क्योंकि जहाँ पे उन्होंने रिकॉर्ड किया, तो मैं इधर भी एक्चुअली इसको कट करना चाहता हूँ, तो इसको जो है बेसिकली मैं इधर से कर देता हूँ, इधर से मैंने लो पास कर दिया, और इसका नॉच जो है मैं थोड़ा टाइट कर देता हूँ, और इधर से, और मैं इधर से थोड़ा, हाँ ये अभी मैं आगे से पीछे को लेके आऊँगा और देखूंगा कि आदिल का आवाज़ से मैं कैसे खेल सकता हूँ थोड़ा वार्म करने के लिए, क्योंकि गाना जो है हमारा थोड़ा मूडी वाला गाना है, तो उसको थोड़ा वार्म करना चाहता हूँ। तो फ्रीक्वेंसी मेरे मौला क्या हुआ है हमें खुदा, और मिड रेंज से आदिल का मैं थोड़ा ऊपर लेके आना चाहता हूँ, मिड रेंज जो है ना मैं उधर से ऊपर लेके आ सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, समझ गया। तो अभी फिलहाल जो है मैं इसे रख रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ये अच्छा लग रहा है। खुदा मेरे मौला, तो देखिए दोस्तों इक्वलाइजर से हम लोग बहुत कुछ चीज़ें अचीव कर सकते हैं। तो बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया था, ये जो इक्वलाइजर है इसमें लो पास है, बैंड पास है, हाई पास, नॉच, लो शेल्फ, पीकिंग, हाई शेल्फ, बहुत कुछ चीज़ें जो हम लोग खेल के हम लोग सीख सकते हैं। जब तक हम लोग खुद खेल के नहीं सीखेंगे, हमको पता नहीं चलेगा कि इक्वलाइजर का काम क्या है। तो इक्वलाइजर बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया, इनका मेन काम होता है जहाँ पे हम लोग का फ्रीक्वेंसी कम होगी उसको ज़्यादा करने के लिए, और जो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हुआ है उसको कम कर सकते हैं हम लोग। तो हम लोग बहुत जगह से इक्वलाइजर से खेल सकते, लेकिन ज़्यादा भी हम लोग यूज़ नहीं करने का उसको, क्यों, ज़्यादा इक्वलाइजर यूज़ करने से भी बूस्ट हो जाता है वॉल्यूम लेवल, मतलब उसको फ्रीक्वेंसीज बढ़ जाता है, और कोई कोई जगह पर फ्रीक्वेंसी कम हो जाता है। तो डिपेंडिंग हमारा जो आवाज़ है या इंस्ट्रूमेंट है उसके हिसाब से हम लोग इक्वलाइजर यूज़ करते हैं, ठीक है दोस्तों। और सबसे पहले मिक्स में हम लोग आजकल सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, हर जगह पे हम लोग इक्वलाइजर यूज़ करते हैं, चाहे गाड़ी में बैठो आप, आपको इक्वलाइजर मिलेगा, आपको डिस्को मोड चाहिए, रॉक मोड चाहिए, ये सब इक्वलाइजर से ही होता है। मोबाइल में भी देख लीजिए, आपको इक्वलाइजर मिलेगा, मूवी थिएटर वाला साउंड चाहिए आपको, वो भी इक्वलाइजर से होता है, उसमें थोड़ा बेस बढ़ा दिया उन्होंने, समझ गए आप। तो इक्वलाइजर बहुत ही छोटा चीज़ है देखने में, लेकिन सबसे पहला इम्पॉर्टेंट चीज़ है साउंड में जो आता है मिक्सिंग के लिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सबसे पहला आता है इक्वलाइजर। तो होपफुली आज आपको कुछ सीखने को मिला होगा इक्वलाइजर के बारे में। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और मैं आपको जितना हो सके मेरे को टाइम मिलते मिलते आपको हेल्प करूँगा, ठीक है दोस्तों। महत्व क्या है इक्वलाइजर से, हम लोग क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, कैसे तरीके के इक्वलाइजर है, ये सब आपने आज आपको पता चला। मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना चाहता, लेकिन डेफिनेटली ये भी था जो बेसिक नॉलेज है इक्वलाइजर का आपको जो मैंने आज दिया,
और अगर आप थोड़ा और डेप्थ में जाएंगे इक्वलाइजर के अंदर ही, हम खुद जब उस पर काम करेंगे हमको उसका डिफरेंसेस आपको पता चल जाएगा। बेसिकली जो नॉलेज आपको अभी ईक्यू के लिए चाहिए था मैंने आपको दे दिया। जैसे मैंने बताया था दो अलग तरीके के इक्वलाइजर है, पैरामेट्रिक और सेमी पैरामेट्रिक, ठीक है। और इक्वलाइजर का काम क्या होता है, उसका फंक्शनिंग क्या है, वो सब आपने सीख लिया। बाकी जो है हमारा जो है कान के ऊपर है, तो आपको वो डेफिनेटली आपको इक्वलाइजर यूज़ करके प्रैक्टिस करके आपको सुनने के बाद आपको डिफरेंसेस क्या है वो पता करने का है, तब जाके आपको नॉलेज जो है आपका और एक्सपीरियंस जो है उसमें बढ़ता है। बहुत लोग मैंने देखे हैं कि साउंड को ऐसा बूस्ट कर देते हैं इक्वलाइजर में, ये सब उसका कोई ज़रूरत नहीं होता। बहुत ही मिनिमम हम लोग जब यूज़ करते हैं इक्वलाइजर उसका बहुत फ़ायदा देता है, तो उसके हिसाब से हम लोगों को काम करना पड़ता है। तो ईक्यू जैसे मैंने बोला सबसे पहला और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है मिक्सिंग में, जिसको हम लोग अवॉइड नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों इतना सब बोल के आज के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच, अगर कुछ गलती हुआ तो माफ़ कर देना, मैं भी इधर सीख रहा हूँ आप लोगों से, ठीक है। और सिखाते सिखाते ज़्यादा ही सीखते हैं हम लोग, तो मुझे अच्छा लगता है सिखाना और वही कोशिश करूँगा कि आप लोग को कुछ सीधा सिखाऊँ। अगर मैं गलत हो तो मुझे बता देना जो भी है, और मैं दिल से खुश करके मैं खुशी से आपसे बात करूँगा उसके बारे में, और हम मिलके उसको ठीक करेंगे। हो सकता है कि शायद मैं भी गलत हूँ, हो सकता हूँ, मैं तो इंसान ही हूँ मैं भी, ठीक है दोस्तों। तो इतना बोल के दोस्तों अभी मैं चलता हूँ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग छोटी सी ब्रेक के बाद।